ये गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। हर हर अड़ अड़ हर 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 हट। सच में बहुत खूबसूरत रात है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी फैली है। रुको 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 वत्स, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? मैं सन्यासी हूँ वत्स, मैं करीमपुर जाऊंगा। तुम्हारे बैलगाड़ी में जगह है क्या मालिक? बिठा लूं? हाँ बिठा लो बिठा लो। चले आइए सन्यासी जी। बच्चों तुम लोगों का नाम क्या है बताओ? मैं गोपाल और ये मेरा दोस्त हरिचरण। हम लोग जात के नाई हैं। अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है। सन्यासी जी आप अपना परिचय दें। अरे मूर्खों, संसार के सारे मोह माया को त्याग करके सन्यासी बन गया हूँ, अब मेरा परिचय लेकर क्या करोगे तुम लोग? हाँ बताओ। लग रहा है वर्धमान का सीता भोग का खुशबू आ रहा है। बच्चों भूल से भी इस मटके को हाथ मत लगाना। क्यों सन्यासी? इस मटकी में नाग है, मैं मंत्र की शक्ति से उसे सुला कर रखा हूँ। जो मंत्र की शक्ति नहीं जानता है, अगर वो इस मटकी को छूते हैं, तो संग संग नाग उसे डस लेंगे और उसकी मृत्यु संग संग हो जाएगी। अब तुम दोनों सावधान रहना। आप निश्चिंत रहे सन्यासी, आपके इस मटकी को हम दोनों कभी नहीं छुएंगे। बहुत नींद आ रही है। बच्चों कहाँ उतरोगे तुम लोग? हम लोग चांदपुर। मैं करीमपुर से पहले वाले गांव में, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। करीमपुर आते ही मुझे जरा उठा देना। हाँ हाँ जरूर जरूर। नारायण नारायण। सन्यासी गहरी नींद में सो रहे हैं। चलो अब जरा मटकी को खोल कर देखते हैं क्या है। नहीं गोपाल, उस मटकी को भूल से मत छूना। क्यों? सुना नहीं उसमें नाग है? जाने दो, बेकार की बात है। ये देख क्या है इसमें। अरे इसमें तो सीता भोग है। आहा क्या खुशबू है। ओहो बहुत अच्छा। अरे भैया मुझे भी थोड़ा सा दे दो, मुझे भी भूख लगी है। आम आम। वाह बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट है। वाह पेट भर गया खा के। इधर जो करीमपुर आ गया है, ये भी देखो सन्यासी को उठाना होगा। लेकिन मटकी खाली है। सुनो तब। ओ सन्यासी जी, ओ सन्यासी जी। उठिए सन्यासी जी, करीमपुर तो पार हो गया। ओ बैलगाड़ी रोको, बैलगाड़ी रोको रोको रोको। अरे हुर हुर, अरे हुर हुर, अरे हुर। सन्यासी जी ले लीजिए आप अपना नाग वाला मटकी। अरे 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 अरे, अरे, अरे ये कहाँ हुआ, कहाँ गया मेरा एक एक मटकी सीता भोग? आपके नाग के पेट में।
आज मौसम बड़ा सुहाना है, चारों तरफ सुन सन्नाटा है। हाँ क्यों? शहर के इस तरफ कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सुन सन्नाटा है। इतने सुन सन्नाटे में घूमने में अच्छा लग रहा है। अरे खुशी, वो पोस्टर जरा देखना क्या है। अरे हाँ सच में, चल जाके पास जाके देखते हैं। अरे इस पोस्टर में लिखा है कि एक बकरी चोरी हो गई है, अगर इस बकरी को ढूंढ के देंगे तो इसका मालिक हमें ढेर सारा पैसे देगा, चल जाके देखते हैं। हाँ ठीक बोल रहा है, ये ठीक रहेगा, चल समय नुकसान ना करके बकरी खोजते हैं। पोस्टर देखे हो लुशी? हाँ, उस बकरी को कैसे भी करके हमें ही ढूंढना पड़ेगा, वरना वो पुशी उस बकरी को ढूंढ कर रातों रात हीरो बन जाएगा और पैसे वाला भी। चल हम लोग ढूंढते हैं। क्या हुआ बकरी लाल, कैसे हो? हाल चाल ठीक है ना तुम्हारा? हाँ नमस्ते मैडम जी, ठीक नहीं है मेरा हाल। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? क्या मैं बताऊँ मैडम, दो दिन हो गया मेरा बकरी नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैडम, कहाँ मैं ढूंढूँ उसे, मेरा चग्गू को। आप चिंता मत कीजिए, खोजिए वो जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है मैं चलती हूँ, घर पे दो बिच्छू अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है? कब से मैं गाय को ढूंढ रहा हूँ, फिर भी मुझे बकरी नहीं मिली, क्या करूँ? पागल, गाय ढूंढेगा तो बकरी कहाँ से मिलेगा, अब हमें बकरी ढूंढना पड़ेगा। देखो देखो पुशी, झाड़ी के पास। अरे सच में? रुक कुछ सोचने दे मुझे। एक डंडे में रस्सी लगा के अगर फंदा बनाऊं तो कैसा होगा, बता बता मुझे। लेकिन तुझे पता है इस बकरी का ना रिकॉर्ड बड़ा ही बेकार है, ये इससे पहले बहुतों को मारा है अपने सिंग से, बिल्कुल ये अपने मालिक जैसा गंवार है। आप गलत मत सोचिएगा बकरी भैया, आपको लेके सभी बहुत चिंतित है। आप एक काम कीजिएगा, इस पत्ते को चबाते चबाते मेरे साथ चलिएगा। हाँ बताइए। ये तो बात विचार करने में तो अच्छा है और बड़ों की इज्जत करता है, मुझे भैया बोला। मैं चलता हूँ इसके साथ। शाबाश, ये बकरी तो मिल गया, यही है वो। अच्छा ये पुशी का ही काम है, अब क्या करोगे लूची? मुझे बेवकूफ बना के पुरस्कार हासिल करना चाहता है। रुक रुक मैं अभी जाके कुछ करता हूँ। ए बकरी, यहाँ पे तुझे पुशी ने लेके आया है ना, अब बात मत बढ़ा, चुपचाप मेरे साथ आ, मैं तुझे तेरे मालिक के पास पहुँचा के वहाँ से पुरस्कार लेके पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। हम दोनों पेट भर के भोजन करेंगे। तेरे दिमाग में बात आई कि नहीं आई, कि कील ठोक के समझाऊं तुझे, बोल चल मेरे साथ। तू ज्यादा बोलता है, जितनी बड़ा तेरा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात। तू मेरे दिमाग में कील ठोके का, मैं अपना दोनों सींग तेरे दिमाग में ठोक दूंगा। तू मेरे मालिक के पास मुझे पहुंचा के पुरस्कार लेना चाहता है, पेट भर खाना खाएगा, अभी मैं तेरा पेट फाड़ता हूँ अपने सींग से। मैं रुक रुक। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ इस बकरी से, बचाओ। मैं
चेंगु बेटे, 2 दिन से तू कहाँ था? तुझे मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे लिए मैं कितना परेशान हो गया है तुझे मालूम है? ये लो ये लो ये लो तुम लोगों की पुरस्कार, ये लो 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 लो। पुशी, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्या और करेंगे, पहले जाके रेस्टोरेंट में पेट भर के खाना खाएंगे। अगर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे तो लूसी के लिए जाके एक दर्द की गोली लेके आएंगे। क्यों लूसी, ठीक बोल रहा हूँ? बेचारा, देख के उसको बड़ा ही दया आ रहा है, कैसी अवस्था में पड़ रहा है। गिरिपथ देश का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा थे चंद्रसेन और रानी भद्रा देवी। राजा और रानी अपने प्रजाओं के प्रति बहुत भावुक थे, लेकिन प्रजा राजा और रानी से बहुत रुष्ट थे, क्योंकि राजा निसंतान था। माँ, मुझ पर कृपया करो, कृपया करके इस राज्य में एक कुलदीपक दे माँ। राजा, तुम्हारे पूजा से मैं संतुष्ट हुई। सुनो, नगर के पास के मंदिर में एक सन्यासी आए हैं, तुम लोग जाके उनसे मिलो, वो तुम लोगों की सारी समस्या का समाधान करेंगे। सुबह होते ही राजा और रानी दोनों जाकर सन्यासी से मिले। महाराज, संतान तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए आपको आवश्यकता है एक दिव्य अम्बल का। वो कहाँ मिलेगा सन्यासी जी? सही पता मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से ये दिव्य अम्बल मिल सकता है, लेकिन फल लाना पड़ेगा तुम्हारे किसी प्रजा को। सुनो सुनो सुनो, एक सन्यासी के बातों के अनुसार महारानी अगर दिव्य अम्बल को खाएंगी तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस दिव्य अम्बल को लाने के लिए हमारे राज्य की किसी प्रजा को जाना पड़ेगा। जो जाना चाहता है वो राजा से आके मिले। प्रणाम महाराज, मैं रानी माँ को दिव्य आम फल लाके दे सकता हूँ, लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा बता देते तो। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से वह दिव्य फल मिल सकता है। मैं चलता हूँ प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। कौन हो तुम, क्यों आए हो तुम यहाँ? जी, मैं जात का वेद हूँ। मैं आया हूँ उदयगिरी राज्य से अपने राज्य की महारानी के लिए। मैं एक दिव्य आम फल लेने आया हूँ। वो आम फल सेवन करने से हमारी महारानी पुत्र लाभ करेंगी। उस दिव्य आम फल का पता बता सकते हैं? उस दिव्य अम्बल के बारे में मैं भी सुना हूँ, और ये भी सुना हूँ कि असंभव कार्य को संभव कर देता है। मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये दिव्य अम्बल मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ से तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, समुन्दर के किनारे एक जलकन्या विश्राम कर रही होगी, उसे तुम जाके पूछना। जब तक वो ना बता दे तब तक तुम उस कन्या को नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चा? ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, वो रही जलपरी। छोड़ो
छोड़ो मुझे। दिव्य अम्फल का पता बताओ तभी मैं छोड़ूंगा तुम्हें। दिव्य अम्फल के बारे में तू पूछ रहा है, उससे पहले मैं तुझे निगल जाऊंगी। दुष्ट इंसान, एक कन्या के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है तुझे नहीं पता है हाँ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तभी मैं छोड़ूंगा। बोलो क्या पूछना चाहते हो? दिव्य अम्फल कहाँ मिलेगा? समुद्र के अंदर एक द्वीप है, उसी द्वीप में एक आम का पेड़ है, उसी आम के पेड़ को दिव्य आम फल कहा जाता है। लेकिन मैं समुद्र के द्वीप में कैसे जाऊंगा? तुम इस नाव में बैठो, ये तुम्हें ले जाएगा। नाव में बैठकर समुद्र के द्वीप में जाकर वो दिव्य आम फल समुंदर में ढूंढ लिया। लेकिन ये क्या, नाव कहाँ चला गया? उस नाव की अब कोई जरूरत नहीं। ये क्या, राजा के पास मैं कैसे जाऊंगा? इस फल का नाम है दिव्य फल। इस फल के सहायता से तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। तो हे दिव्य आम फल, तुम मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। महाराज ये लीजिए दिव्य अम्फल, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम महाराज। कहाँ जाओगे बैद, मेरे पास बैठो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और मेरा आधा राज्य तुम संभालोगे। महाराज राजा की उबैद को अपने पास बैठाया और अपना आधा राज्य क्यों सौंप दिया? बेतल, कारण यह है कि राजा का कोई संतान नहीं था और सन्यासी के बातों के अनुसार रानी दिव्य अम्फल खाती तो उन्हें संतान प्राप्त होता, लेकिन वो फल किसी प्रजा को लाना था, इसीलिए वेद उसे लाने गया था। वेद के वजह से राजा को संतान प्राप्त हुआ, इसीलिए राजा ने वेद को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। समझे तुम बेताल? नुकसान, ऐसे हवा के जोर में तो मुंह के बल ही गिर पड़ा।
खत्म हो रहा है। कितनी देर हो गई है? मेरी मिनी के लिए मछली का सर कब लाओगे? अब ये मिनी कौन है? अरे जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि एक काम करता हूँ, ये घर काफी अच्छा है, यही अपना घर बना लेता हूँ।
फलेगा बैंगन ताजा ताजा, बुनेगी बीवी रोज, खाऊंगा लेकर मजा मजा, होगा मजेदार भोग, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, जहाँ होगा बैंगन ताजा, वहीं बना है पक्षी का घोंसला, बहुत मजा बहुत मजा, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत मजा बहुत मजा, पक्षी के चूजे ताजा ताजा, खाऊंगा पेट भर के, हुंडी खाऊंगा इनकी मैं कटर मटर करके। मछली का सर खाने की इच्छा नहीं है क्या? मिनी क्या हुआ बेटी, खा ले, अच्छी बच्ची खा ले। अच्छा तो अब समझी तू है मिनी, ताजा मछली के सर को खाकर चैन नहीं मिल रहा, अब मेरे बच्चों पर नजर है, मैं चखाती हूँ मजा। चक्कर में कहीं निकल ना जाए प्राण, क्या बेवकूफ बिल्ली है,
इतनी शांत हो गई? जाने दो, मेरे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। बच्चे तो घोंसले में ही हैं और धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं। जब खाऊंगी तब मजा आएगा, अच्छा ही होगा। अभी तो कम से कम महारानी बन गई हूँ। ऐसा दुगना लाभ कितने लोगों की किस्मत में होता है। अरे बच्चों, क्या तुम अभी उड़ सकते हो? हाँ, उड़ सकते हैं। तो देखती हूँ उस ताल के पेड़ में जाकर बैठ सकते हो या नहीं। देखते हो दुष्टमिनी, तुझ में आखिर कितना दम है। क्या कर रही हो टुनटुनी? दूर हो जा, कल मेरी बिल्ली कहेगी। विद्यार्थी आया जिसका नाम था श्याम। वो आते ही सबको कहने लगा, तुझे पता है मैं कहानी लिखने जानता हूँ। क्या मैं भी बचपन में बहुत सारा कविता लिखता था। लिख रहे होगे मगर मेरे जैसा नहीं। तो अपनी कविता दो लाइन पढ़ के सुनाओ। ठीक है, तो फिर सुनो। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में नाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, दिल्ली सुलाए दो बिल्ली, एक बिल्ली कानी, सब बच्चों की नानी। हाँ हाँ, अगर वो बिल्ली तुम्हें काट लेती ना तो तुम्हारी कहानी सारी निकल जाती। सुनो, खुद को जब नहीं आता ना तो किसी की बात सुन के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, समझे? बंदर की कहानी सुने हो क्या? बंदर की कहानी? वो क्या है? क्या नहीं जानते हो? तो फिर सुनो मेरी बात। एक शेर था, एक लोमड़ी था। शेर लोमड़ी को कहने लगा कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मेरे कमर में चोट लगी है, मैं 10 दिन से उठ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो करो, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। फिर लोमड़ी ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसकी कहानी सुन के हरी राम उसका चेला बन गया और कहने लगा कि श्यामलाल अपने कॉपी में ढेर सारा कविताएं लिखा है और कुछ कविताएं लिखेगा तो 100 कविताएं हो जाएगा, वो किताब छपाएगा। क्या? गोपाल अपना एक
स्कूल छोड़ के चला जाता है अगली कक्षा में। उसी के लिए श्यामलाल कहानी लिखता है। गोपाल पढ़ लिख कर तरक्की करता है, आगे बढ़ता है और दोस्तों से जुदा होता है। शैतान कहीं का, मेरे बारे में कुछ लिखा तो मैं मारूंगा तेरे को। ओहो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम जा रहे हो ना, इसीलिए लिख रहा है। मैं जा रहा हूँ तो तेरा क्या जा रहा है, मेरे बारे में कुछ लिखेगा ना तेरी कॉपी फाड़ दूंगा। देखते ही देखते श्यामलाल की बातें पूरे स्कूल में फैल गई और उसको देखकर सारे बच्चे कहानी लिखना शुरू कर दिए। अचानक एक आ गया घटना, स्कूल ऑफिसर आने वाले थे। बच्चों, कल स्कूल में ऑफिसर आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम सबसे, तुम लोग कल साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के आना और अच्छे बच्चों की तरह रहना, शैतानी मत करना और अपनी किताब कॉपी साथ में लेके आना। हूँ ऑफिसर चेक करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए। कविता वाला कॉपी में लेके आऊंगा कल और स्कूल ऑफिसर को कविता सुनाऊंगा। मेरी कविता तैयार है, बस ऑफिसर की इंतजार है सुनाने के लिए। तुम्हारे सुनाने से पहले मैं कविता सुनाऊंगा। What is your name? जी श्यामलाल। Do you have any extra carry? Your activities? जी सर। मौसी मौसी आ रही है हसी, नीम के पेड़ पे कौवा का अंडा, हाथी के सर पे घोंसला, घोंसले में बत्तख के अंडे, गली मोहल्ले अंधेरे में है, आया है चोर, चोर को पकड़ो मारो मारो पकड़ो, लाल पीला हरा नीला सारे पत्थर गीला गीला, लाल पीला हरा नीला, आम पकता बैसाख में, बैर पकता फाल्गुन में, बारिश होता सावन में। यहाँ पे क्या हुआ है, स्कूल में कविताओं की बीमारी हुई है, इसे कैसे रोक सकते हैं? जहर का दवा जैसे जहर है वैसे ही कविता की इलाज कविता। सुनो बच्चों, मैं तुम्हें कहानियाँ लिखने के लिए देता हूँ, रोज रोज तुम लोग 100-100 कविताएं लिख के लाना पूरे एक महीने तक। अगर जो कविताएं लिख के नहीं लाएगा उसे सजा मिलेगी, हाँ, स्कूल से निकल दिया जाएगा पूरे एक महीने के लिए, समझे, और परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, समझ गए तुम लोग। उस दिन से कविता लिखने का भूत पूरे स्कूल में सारे विद्यार्थियों के सर से उतर गई।